सेवैया क्षेत्र के कई प्रमुख भाजपाइयों ने ली कांग्रेस की सदस्यता। कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा का ताबड़तोड़ प्रचार अभियान जारी। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। विधानसभा क्षेत्र सिमरिया में एक और जहां कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा और उनके समर्थकों द्वारा जनसंपर्क अभियान की गति तेज कर दी गई है, वहीं दूसरी ओर भाजपा से कांग्रेस में आने वालों का तांता लगा हुआ है। बताया गया है कि सोमवार को सुबह उनके फार्म हाउस स्थित कार्यालय में सिमरिया क्षेत्र के प्रमुख भाजपा नेता पप्पू मिश्रा ने अपने एक सैकड़ा साथियों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ली। इस दौरान उन्होंने खुला आरोप लगाया कि पिछले 5 साल के दौरान पूरे विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार की गंगा बहने लगी थी। इसके अलावा संबंधित जनप्रतिनिधि एवं उनके लोगों द्वारा जन सामान्य को भय भी दिखाया जाता था। इसी क्रम में क्षेत्र के कई अन्य लोगों ने भी आज भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ली। उधर कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा का धुआंधार चुनाव प्रचार अभियान तेजी से जारी है। सोमवार को उन्होंने गोंधार, चचाई, बरहा, मटीमा शहीद कई ग्रामीण अंचलों का भ्रमण करते हुए आमजन से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपनी अपील की। कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा ने कहा है कि पिछले 3.5 साल के दौरान पूरे प्रदेश में भाजपा की सरकार ने केवल भ्रष्टाचार की गति को तेज किया है। भाजपा के लोग झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं, जो प्रदेश और हमारे क्षेत्र के विकास में बाधक है। इन्होंने कहा है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने जितने वचन दिए हैं वे पूर्व की भांति पूरे होंगे। किसान तथा आम आदमी के बीच खुशहाली आएगी। 100 यूनिट तक बिजली माफ और 200 यूनिट में बिजली हाफ की चर्चा करते हुए कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार ने अब बहनों को रिझाने के लिए लाडली बहना योजना का नाम दिया। दूसरी ओर घर के पुरुषों को बिजली का बिल ना जमा करने के मामले में कार्रवाई करते हुए यह सरकार जेल भिजवाने का काम कर रही है। यही है भाजपा सरकार की चाल और उसका चरित्र। इन्होंने कहा कि प्रदेश में खुशहाली के लिए कांग्रेस सरकार की आवश्यकता है। वहीं सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने मुझे उम्मीदवार बनाया है, इसलिए आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। द खबरदार न्यूज से विजय तिवारी की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।